सी क्वेश्चन को आप प्रेफरेंस देते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं आपको सब बता देता हूं। सबसे पहला जिसमें मेन क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर बेस होता है। एक हमने ये कहा कि जो C12H22O11 होता है, आपने इसमें वाटर डाल के एसिड मिक्स किया तो ये आपका बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है? नेम द प्रोसेस। बायो वाले स्टूडेंट को नाम होगा पता कि इसका नाम क्या है। अगर सुक्रोज से ग्लूकोज नहीं, एक और नाम है इसका, फेमस नाम है, ये सही कह रहा हूं लेकिन एक और नेम है इसमें, इसके अलावा भी एक और नाम है इसका, इस प्रोसेस का। नहीं जिया, थोड़ा सा तुम लोगों ने सही है लेकिन मिसिंग कर रहे हो कुछ ना कुछ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुगर। इन्वर्जन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुगर, इन्वर्जन ऑफ सुगर। ध्यान रखना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुगर, ठीक है। अब इन्वर्जन कहते हैं लेकिन हम क्यों कहते होंगे इसे इन्वर्जन? व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन? बायो वाले स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन? हाँ लेकिन आपने मेन पॉइंट को मिस कर दिया। ठीक लिखा है आस्था, मैथिली, कशिश, लेकिन आपने जो मेन पॉइंट है इसका वो मिस कर दिया है। सुगर तो टूट जाता है जिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो होता क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? इन्वर्ट हो गया। अब होता क्या है, देखो इसकी स्टोरी बता देता हूं मैं आपको, कि जो जनरली सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये होता है डी फॉर्म में, डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में। और जैसे हम इसे वाटर में मिक्स करेंगे हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपने पढ़ा था पहले कि ग्लूकोज इज डी फॉर्म और फ्रक्टोज होता है इसमें एल फॉर्म। ध्यान रखना, ग्लूकोज होता है इसमें डी फॉर्म एंड जो इसमें क्या होता है फ्रक्टोज होता है वो होता है एल फॉर्म। अब ये लाइट को घुमाएगा 52.7 डिग्री, जो डी फॉर्म होता है ये रोटेट करेगा 52.7 डिग्री और ये एल फॉर्म रोटेट करता है 92.4 डिग्री। अब देखो दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, इक्वल अमाउंट में। ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज ध्यान रखो डी फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, आपने उसे वाटर डाला और ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों का इक्वल अमाउंट बनता है, दोनों का मोलर सेम मोलर होता है, इक्वल मोलर। ग्लूकोज बनता है डी फॉर्म में एंड फ्रक्टोज बनता है एल फॉर्म में। जो डी फॉर्म होता है ये रोटेट करेगा 52.7 डिग्री सेल्सियस, 52.7 डिग्री सेल्सियस, 52.7 डिग्री। और जो फ्रक्टोज होता है ये रोटेट करेगा 92.4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बताना है कि जो ये मिक्सचर होगा, जो हमने ये मिक्सचर बनाया था, इस मिक्सचर का
ये मिक्सर किस फॉर्म में होगा या रेसिपी फॉर्म में होगा, ध्यान रखना। जो ये मिक्सर बना आपका प्रोडक्ट बना, ये कौन सा फॉर्म होगा, पहला डी फॉर्म, दूसरा एल फॉर्म या फिर तीसरा डीएल फॉर्म। तीन ऑप्शन है आपके पास। जो मिक्सर होगा आपका निरंजन राइट आंसर है, और कोई एनी वन, रेडीस राइट आंसर है, मैथिली राइट है, कशिश थोड़ा सा मिस कर गई, निहारिका राइट है, योगीराज मिस कर गए, कासर मिस कर गया, सुबोध राइट है। तो देखो मैं बताने जा रहा हूं इसे आपको, इसमें क्या होगा, देखो डी फॉर्म था तो डी फॉर्म से क्या हुआ, जब ये कन्वर्ट हुआ तो डी फॉर्म एंड एल फॉर्म दोनों बने, लेकिन क्या हुआ, जो डी फॉर्म है आपको पता है डेक्सोलोटेटी का मतलब क्या होता है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है तो ये इसे राइट हैंड साइड में क्या करेगा, यहाँ से रोटेट करवा देगा। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का काम क्या है, राइट हैंड साइड में से रोटेट करवा दिया इधर की साइड, कितना करवाया 52.7। अब जो आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या करेगा, फ्रक्टोज करेगा उसे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये लाइट आ रही थी फ्रक्टोज से लेफ्ट में रोटेट कर दिया और कितना किया 92.4 डिग्री। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल एक इधर को खींच रहा है लाइट को, एक इधर खींच रहा है लाइट, जीतेगा कौन, एक लाइट को बोलना इधर चलो भाई राइट हैंड साइड में, ये कह रहा मैं से ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों अलग अलग नेचर के हो गए, जीतेगा कौन दोनों में से, जीतेगा वही जिसकी जिसका मैग्नीट्यूड जिसकी पावर ज्यादा होगी। तो इसमें से जिसकी पावर ज्यादा है फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज ज्यादा रोटेट कर रहा है 92.4 और ग्लूकोज कर रहा है केवल 52.7, तो जीतेगा इसमें से फ्रक्टोज। तो क्या होगा, ओवरऑल जो मिक्सर होगा वो हो जाएगा डीओ रोटेट। तो ये क्या कह रहा है, इसे कन्वर्ट कर दिया, वो कह रहा है पहले हमें डी फॉर्म में था और बाद में हमें किस फॉर्म में मिला, एल फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्जन, इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, फाइनली हमें एल फॉर्म में मिल गया और पहले था डी फॉर्म में, तो डी से एल फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है दिस इज कॉल्ड इनवर्टेज, इसी वजह से इस एंजाइम का नाम रखा गया इनवर्टेज एंजाइम। जो एंजाइम का नाम इनवर्टेज रखा है वो इसकी वजह से रखा है, बल्कि ये नहीं है कि एंजाइम की वजह से इसका नाम रखा है, आप लोग तो गलत समझ गए। एंजाइम जो रखा गया इनवर्टेज, वो एंजाइम का नाम क्यों रखा गया इनवर्टेज, क्यों, क्योंकि ये डी फॉर्म से एल में चेंज हो रहा है, इन्वर्ट हो गया, अपोजिट हो गया, इसीलिए उस एंजाइम का नाम रखा गया एल्बर्टेज एंजाइम। क्लियर है, आप लोग कह रहे थे कि एल्बर्टेज एंजाइम रखा तभी इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, वो रॉन्ग है, जब ये एन्वर्जन हो रहा है इसीलिए इस एंजाइम का नाम रखा गया एल्बर्टेज। क्लियर है आप, इज इट क्लियर और नॉट, एंजाइम का जो नाम रखा जाता है वो कई बार रिएक्शन की वजह से रखा जाता है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसे कह देते हैं ऑक्सीडेज, रिडक्शन होगा तो कई बार कह देते उसे रिड्यूस, एस उसके पीछे लग जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो एंजाइम का नाम रखा गया ये इस प्रोसेस की वजह से रखा गया, न कि प्रोसेस एंजाइम की वजह से प्रोसेस का नाम रखा गया, वो स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है मैथिली, कशिश, निहारिका, दिव्यांग, एनी आंसर और एनी अदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है आपका, एक इन्वर्ट इन्वर्जन किसे बोलते हैं या इन्वर्जन ऑफ सुगर क्या होता है,
सेकंड इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है अकांक्षा गुड। थर्ड वन आता है इसमें कि इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं और इस शुगर का नाम उन्होंने रखा इन्वर्टेड शुगर। तो देखो हमें इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई, तो ध्यान रखो इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब हुआ, इन्वर्जन का मतलब चेंज होना, डी फॉर्म ऑफ सुक्रोज है जो वो चेंज हो गया एल फॉर्म में चेंज हो गया फाइनली, तो ये क्या हो गया कन्वर्जन हो गया इसका, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया इन्वर्जन ऑफ शुगर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेज एंजाइम, और इस शुगर को हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर। तो फाइनली देखो हमें यहाँ से क्या क्या चीज मिली, पहला इन्वर्जन ऑफ शुगर किसे कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर किसे कहते हैं, इसकी डिफाइन क्या है, दूसरा इसे क्यों कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर, तीसरा इस शुगर को फिर उसने नाम दिया इन्वर्टेड शुगर, इन्वर्टेड शुगर इस शुगर इज कॉल्ड, इस शुगर को उसने कह दिया इन्वर्टेड शुगर, ठीक है। और यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चार टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इस टॉपिक से, क्लियर है ये, एनी डाउट, इन्वर्जन ऑफ शुगर किसे कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं, और जो ये शुगर बनता है इसे कहते हैं इन्वर्टेड शुगर, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो ये है सुक्रोज का, हमने हाइड्रोलाइसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो सुक्रोज चेंज हो गया। तो ये पहला स्टेप है आपका, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन हाई भी पूछे जाते हैं, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वैसे ही आपके नीट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत हाई फाई उसमें नहीं जाके हम क्या करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत डीप में बहुत ज्यादा भी है, और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हो परेशान मत हो, क्योंकि ये जैसे हम आगे अब चैप्टर हम स्टार्ट से करेंगे तो उसमें कवरअप हो जाएंगे, अगर आपको इसमें कई बार डाउट आता भी है तो हम ऑर्गेनिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो वहां पे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डीप में नहीं जा सकते रिएक्शन के। अब सेकेंड वन इज माल्टो, जो पहला आपका एग्जांपल था, पहला एग्जांपल था इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल इज सुक्रोज एंड सेकेंड वन इज माल्टोज। माल्टोज में कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है, देखो माल्टोज का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज सी वन ऑफ एल्फा ग्लूकोज प्लस सी फोर ऑफ एल्फा ग्लूकोज, ध्यान रखना। अब आप डीप में पढ़ोगे तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, अच्छा 7 मिनट है हमारे पास, फिर आपको रिज्वाइन होना है। तो माल्टोज का मतलब क्या हुआ कि सी वन ऑफ एल्फा ग्लूकोज प्लस सी फोर ऑफ एल्फा ग्लूकोज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सी वन ऑफ एल्फा ग्लूकोज प्लस सी फोर ऑफ एल्फा ग्लूकोज। अब देखो अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे कैसे, हम लोग सी वन है तो सी वन के लिए क्या होगा, सी वन का मतलब कि वन पोजीशन इधर जानी चाहिए, देखो ये हुआ ये वन पोजीशन यहाँ होनी चाहिए वन, अल्फा है अल्फा का मतलब ओ एच नीचे होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर का पहले डिस्कस किया, बार बार यही रिपीट होगा।
वन के बाद टू नीचे होता है, तीसरे नंबर का ओवर ऊपर होगा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसमें ध्यान रखो कि अल्फा है और ये सी फोर है। सी फोर का मतलब क्या हुआ कि फोर पोजीशन यहाँ आनी चाहिए, फोर पोजीशन इस साइड आनी चाहिए, ये फोर है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ वन है और ये भी अल्फा है, तो अल्फा में ओएच नीचे आएगा, अल्फा में ओएच नीचे होगा, तो वन टू यहाँ थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। आप देखो कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताया था जहां पे दो ओएच ग्रुप है वो अटैच हो जाते हैं, दो ओएच ग्रुप कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है, वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या होगा, देखो ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यहाँ पे ओ, ये बन गया इस डायग्राम के थ्रू, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बाकी एज इट इज लिखो, इसमें कोई चेंज नहीं होने का, सेम रहेगा सब कुछ, और ऐसे यहाँ पे भी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर आप इसका पूरा नाम लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा 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 कॉमा अल्फा, इसके बाद वन फोर सी वन एंड सी फोर, यानी वन फोर अल्फा अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये स्ट्रक्चर बना लो इसका, स्ट्रक्चर के बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माल्टोज है तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसी के नाम से हो जाता है माल्टेज, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है आपका वो ध्यान रखना है, सी वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस सी फोर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन में जहां पे OH OH ग्रुप है वहां से H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और उसका जो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है वो बीच में आ जाता है, तो उस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अल्फा अल्फा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर है इसमें, एनी डाउट? स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे आपको और कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर का ही होता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्योंकि मेन आपका आगे स्ट्रक्चर ही आएगा सब, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस पे ही पूछे जाते हैं इसमें। तो यहां सेकंड आपका खत्म होता है माल्टोज का, होपफुली आपने बना लिया होगा। माल्टोज के बाद इसमें एक और आता है लैक्टोज, माल्टोज के बाद आता है इसमें नेक्स्ट वन इज लैक्टोज। तो देखो हम अभी तक लिख रहे थे, कई बार एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपका नीट लेवल पे भी कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। तो पहले मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता क्या है। तो कोई बता सकता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
कहां पे यूज होता है या कहां पे लगता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एनी रिप्लाई? हाँ सही है निहारिका। लास्ट के देखो 1 मिनट बचे हुए हैं। मैथिली सही है, निरंजन सही है, तो आपको रिजाइन होना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ग्लाइकोसाइडिक और इसके आगे के कुछ टर्म्स बचे हुए हैं। तो 1 मिनट है केवल और 1 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा लगभग, तो आपको यहाँ से रिजॉइन होना है। सही है कासा? हाँ मैथिली सही है, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर अभी देता हूं मैं। तो दोबारा रिजॉइन होना आपने, ये मीटिंग ऑफ हो रही इस समय। सही है कशिश?